नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खबर जनपद मिर्जापुर से। ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर के पदाधिकारियों ने बड़े ही धूमधाम तरीके से सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती जनपद के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में मनाई। नेता सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिन पर उनके चित्र पर माल्यार्पण, पुष्प व केक खिलाकर मनाया गया। तत्पश्चात सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लोगों को भी केक खिलाया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से शमसुद्दीन मंसूरी जिलाध्यक्ष, लक्ष्मी नारायण कुशवाहा मंडलाध्यक्ष, भोलानाथ साहू, विनोद कुमार जोशी एडवोकेट, लल्लू राम कसेरा, विजय कुमार मिश्र, अभिषेक कुमार दुबे एडवोकेट, चंद्रशेखर सोनी, अनीता सिंह चौहान, बबलू साहू आदि मौजूद रहे। आइए सुनते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के 126वीं जयंती के अवसर पर मंडल अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण कुशवाहा क्या संदेश दे रहे हैं। हम हैं लक्ष्मी नारायण कुशवाहा, ट्रेड यूनियन TUCC के मंडल अध्यक्ष हैं जी। आज यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, किस उपलक्ष्य में रहा ये? आज यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के 126 जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। करीब हजारों लोगों ने भाग लिया और उस जयंती पर विचार गोष्ठी भी की गई। उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। देश में उन्होंने जो कहा था कि आप मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा, उस पर भी लोगों ने विस्तार से प्रकाश डाला। और आज हम गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं, आज़ादी की ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, इस पर भी लोगों ने प्रकाश डाला और कहा कभी एक आज़ादी की लड़ाई तो लड़ी गई थी, दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि वर्तमान समय में हम लोग गुलामी की ज़िंदगी इन नेताओं के चक्कर में जी रहे हैं। कोई जात का ठीका लिखाया है, कोई धर्म का ठीका लिखाया है, ये ठेकेदारी पट्टा के खिलाफ भी हमें आंदोलन करना होगा। पहले हम अंग्रेज से लड़े थे, आज अपने इस देश के लोकतंत्र के चोरों से लड़ना पड़ेगा, यही आज मुख्य उद्देश्य हम लोग लिया गया। आज के शासन के मंशा के अनुरूप जो प्रोग्राम चल रहा है, जिस जो सरकार का प्रोग्राम चल रहा है, इसके अनुसार इस ट्रेड यूनियन को के लोग किस तरह से गुलामी महसूस कर रहे हैं, इस पर प्रकाश डालें और किस प्रकार के चोरों से लड़ना चाहते हैं। देखिए, वर्तमान समय में ट्रेड यूनियन TUCC किसी राजनीतिक पार्टी का गुलाम नहीं है। TUCC हिंदुस्तान में चल रहा है, ये ऑल इंडिया में TUCC है। हमारे ट्रेड के संगठन, ट्रेड यूनियन रेलवे में भी है, हर विभाग में करीब करीब है और जनता में भी है। वह सभी प्रकार के श्रमिकों का काम करती है और उनके उद्धार के लिए, उनके अन्याय के खिलाफ लड़ती है। जो वर्तमान सरकार है वह ट्रेड यूनियन के लोगों का साथ अन्याय कर रही है, क्योंकि आज देश में लुटेरा जैसा लोग पैदा हो गए हैं, जो संसद विधायक निधि और पेंशन का पूरा पैसा हड़प जाते हैं, जो ठेकेदारी प्रथा चला रहे हैं, जो पट्टेदारी कर रहे हैं, देश के जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं, कानून का जो है बंधन कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता सौंपने के व्यवस्थाएं लोग कर रहे हैं और एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता है भी, उसके खिलाफ भी ट्रेड यूनियन TUCC एक आंदोलन, एक लड़ाई सुभाष चंद्र बाबू के बताए रास्ते पर चल करके ट्रेड यूनियन लड़ाई लड़ेगी इस सरकार के खिलाफ।